माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने सहमा में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, जो कि आप लोग एक बार खाएंगे और बार बार आप लोगों का दिल करेगा बनाने को इंशाल्लाह। और इसमें कोई बाजारी मसाले नहीं है, मतलब कि कोई ऐसे जो आपको लेने पड़े, वही घर के आम मसाले जो हम अपने आम रूटीन में अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। और इसी से जो है हम आज की अपनी रेसिपी बनाएंगे, जिसका नाम है पंजाबी चिकन पुलाव। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, बाकी आप अपनी चीज़ों की जो मकदार है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चले आए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और एक मिनट, जाते जाते बात तो सुन लीजिए, जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो है मैंने तीन दरमियाने जो हैं साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने स्लाइस की शक्ल में कट कर लिया था। और इनको हम जो है फ्राई करेंगे तब तक जब तक जो है इनका जो है कलर लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। और लाइट गोल्डन कलर होते साथ ही हम जो है इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को इसके अंदर हम 5 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह से जो है ख़त्म हो जाए। और 5 से 8 मिनट के बाद जो है इसके साथ ही जो है हमने लहसुन अदरक का जो है पेस्ट डाल देना है। और इसको जो है हमने फिर से 5 मिनट तक जो है कुक करना है ताकि लहसुन अदरक जो है ये भी अच्छी तरह से जो है इनकी स्मेल जो है वो इनके अंदर अच्छ जाए। और अब जो है मैंने जो है यहाँ पे 6 जो है सब्ज़ मिर्चें ली थी, जिनको मैंने दादरा सा कूट लिया है। और साथ ही ज़ीरे को भी मैंने जो है इसके साथ ही जो था दादरा दादरा कर लिया है। और यहाँ पर जो है मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका जो है मैंने उतार लिया है। और साथ ही मैंने नमक आप हस्बे ज़रूरत 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च और स्पेशल चीज़ जो है जो कि हर घर में होती है वो है गरम मसाला, मैंने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब जो है हम इसको अच्छी तरह से इन मसालों को जो है भून लेंगे। और इनको भूनने के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल जो है हमारे बिल्कुल तैयार होने के करीब हैं। और अब जो है हम इनको दम देंगे। दम देने से पहले मैंने इनके ऊपर धनिया की गार्निश कर ली है। और तकरीबन 15 मिनट तक जो है हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर जो है दम पर रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो हैं पंजाबी चिकन पुलाव की जो है रेसिपी कितनी मज़ेदार बनी है और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं कचुंबर सलाद के साथ। और जाते जाते अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।